आपका नाम? मेरा नाम बबली जी। शनिवार में सब्जी मंडी आए हैं, सब्जी खरीद रहे हैं। किस तरह की महंगाई है? और बहुत ज़्यादा सर महंगाई हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। किचन में लेडीज का देखना बहुत मुश्किल हो गया, तेल बहुत महंगा, पेट्रोल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेडीज़ के लिए ज़्यादा दिक्कत हो गई है। जो लोग जाते हैं ऑफिस के लिए, उन्होंने गाड़ियाँ खरीदनी छोड़ दी, वो अपने घर पर गाड़ियाँ खड़ी करती हैं और पैदल चलते हैं। ऐसी ऐसी नौबत आ गई है, आदमी के लिए ऐसी नौबत आ गई, लेडीज़ के लिए ऐसी नौबत आ गई, जो अपने टाइम बच्चों को एक टाइम खाना देगी, जो गरीब लेडीज़ है। सब्जी की बात करें तो सब्जी में किस तरह की महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। गरीब आदमी का कोई भी सहारा नहीं है। गरीब आदमी के साथ देखा जाए, गरीब आदमी के साथ बहुत ज़्यादा महंगाई है जी। बहुत परेशानी हो रही है दुनिया के लिए। बहुत दिक्कत में दुनिया चली गई है। इतनी दिक्कत में कभी दुनिया आई नहीं थी जितनी दिक्कत में अब आई है, बहुत ज़्यादा। क्या कारण मानते हैं? हम तो जी बाजवा वाले का कारण मानते हैं, बाजवा ने खरीदी है इतनी महंगाई। बहुत ज़्यादा लेडीज़ के लिए भी, आदमी के लिए भी। बेरोजगार जो लोग घूमते हैं उनके लिए नहीं सोचा जा रहा बिल्कुल भी। तो जो बच्चे ऐसे हैं तो नशे की तरफ भी जाएंगे, जब उनके पास कोई काम नहीं होगा, कोई दाम नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं बिल्कुल भी। ऐसे नौजवान गलियों में घूम रहे हैं, बेकार घूम रहे हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? उनके लिए सोचा जाए, हम तो ये सोचेंगे। पर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेडीज़ अपने बच्चे पाल नहीं सकती है लेडीज़ से। ये आपका नाम जानना चाहेंगे? सब महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, सब्जियाँ लेना जो है लोगों के पैर से भार हो गया, इस तरह से देखते हैं भाई। इस तरह सब्जियाँ पीछे से महंगी आ रही है, रेट तेज है थोड़ा सा। क्या कारण मानते हैं आपकी? क्यों फसल की वजह से होता है, जैसे नींबू महंगा है, बाकी तो सारी सब्जियाँ ठीक है और थोड़ा सस्ता है, तो सब्जियाँ सारी सस्ती है। क्या मानते हैं कि तेल, जैसे तेल भी बड़ा है तो उससे भी फर्क पड़ता है? इसके बारे में तो जैसे जैसे बारिश भी नहीं हो रही, सूखा है, बारिश की वजह से फसल कम हो रही है तेल। मेरा नाम अजीत सिंह। सर साहब, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, सब्जियों के रेट भी है जो काफ़ी बड़े हैं, लोगों का माल ऐसे है कि आजकल बारिश हो नहीं रही है, बारिश के कारण सारी फसलें बर्बाद हो गई है और कम आ रही है, तेज रेट में बिक रही है। डेली कितनी सप्लाई आपके पास आती है? सप्लाई नहीं होती, जैसे माल आता है उस हिसाब से बिकता है, जब कम आ जाता है तो तेज बिक जाता है, ये चक्कर होता है। क्या कारण मानते हैं आपकी महंगाई जो है दिन प्रतिदिन? महंगाई तो एक तो यही कारण है, नीचे से मजदूरी बढ़ती है, यहाँ पे कोई और नहीं है, तो पीठ पे उठा के लाना पड़ता है, और जो ले जाएगा वो, जैसे आप ले जाओगे तो आप भी नीचे ले जाओगे, तो किराया तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये चक्कर होता है। तो अगर ये साइड में मंडी हो ना, तब कहीं जाके जैसे कि रोड साइड पे हो, तब पेट्रोल डीजल के दाम भी बड़े हैं, तो क्या कारण मानते हैं कि वो भी एक कारण है? ये भी इसी का भी फर्क पड़ता है, हर एक चीज़ का फर्क पड़ता है। रामायण शर्मा। शर्मा जी, शिमला सब्जी मंडी में आए हैं, सब्जी खरीदने आए, किस तरह की महंगाई है? महंगाई बहुत सिर पर चढ़ गई है, हम सब्जी जो है वो खरीद नहीं पाते, दिन प्रतिदिन जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, घट नहीं रही है। बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी नहीं ले सकता, सब्जी खानी मुश्किल हो चुकी है। आज तक ऐसी महंगाई देखी है आपने कभी? नहीं, हमने देखी कभी नहीं, हमारे 78 साल की उम्र ऐसी महंगाई नहीं।